आज हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कोविड का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है शुरू हो गया, 4 जगहों पर हो रहा है। हर जगह 100-100 लोग लिस्टेड हैं जिनको एक पोर्टल पे सबके नाम फीड हैं, उसी माध्यम से सबको सूचना गई है और बड़े सुचारू रूप से आज ये कार्य प्रारंभ हो गया। अगला टीका आपको टीका लग गया, कितना आवश्यक है लोगों के लिए टीकाकरण, क्योंकि सब जो भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। कोविड बीमारी से लड़ने के लिए सब लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, हर विभाग खासतौर से स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग ने। टीकाकरण बहुत जरूरी है, जिस तरह अन्य वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए टीके ईजाद हुए, उसी तरह इस बीमारी को दूर करने के लिए और इस बीमारी से बचने के लिए भारत सरकार के अथक प्रयासों से हमारे देश में ये टीका बनाया गया और हम लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध कराया गया। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये टीका माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से हम लोगों तक पहुँचा और हम लोग इसके लाभार्थी बने और मैंने खुद लगवाया। आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने अभी लगवाया हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होगी भी नहीं किसी को भी। और मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूँ कि सब लोग आगे आएँ, इस टीके को लगवाएं। बहुत मेहनत करके हमारी भारत सरकार ने इस टीके को ईजाद करवाया अपने देश में ही, और ये कोई साइड इफेक्ट मुझे नहीं लगता इस टीके का कुछ होगा। और फिर मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, सब लोग आगे आएँ और टीके को लगवाएं, अपने को बचाएं और देश को बचाएं। नहीं, खराब नहीं बीता। देखिए, मैं कर्मठ आदमी हूँ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। आप लोग मेरे प्रेस वाले लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं खुद यहाँ पे सर्जन भी रहा हूँ, अभी भी सब सर्जरी करता हूँ। काम करना चाहिए, कर्मठता दिखानी चाहिए, काम कुछ भी हो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। काम करते रहिए, काम अपने आप हार जाएगा और काम खत्म हो जाएगा सही ढंग से। काम से मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, मैं यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय जौनपुर में के पद पर कार्यरत हूँ।